हम जानते हैं कि आज है गोवर्धन और आज मम्मा बना रही हैं मतलब कि मठरी और वो भी नमक पारे। तो क्यों ना मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए बनाते हैं नमक पारे। सो द इंग्रेडिएंट्स फॉर द नमक पारे आर एज फॉलोज। वी नीड 2 कप्स ऑफ मैदा, देन 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, देन 2 टीस्पून अजवाइन, देन वी नीड मेल्टेड घी 1/2 कप, देन 4 टेबलस्पून सूजी। अभी मैं इसको मेजर करके डालूंगा मैदा के अंदर। देन वी नीड 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर। तो इसी से हमारा पूरा बनेगा और हमें इसका टाइट डो बनाना है, पर कुछ लोग बेकिंग सोडा और दही से भी इसका डो नीड करते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नीड करते हैं इसके डो को। तो मुझे डो नीड करना तो नहीं आता है, पर तो मैंने मम्मा की हेल्प ले ली थी, तो कुछ ऐसा सा हो गया हमारा डो। अब हम इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे। तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ एक प्लेट से, अगर आप चाहे तो इसको एक मसलिन क्लॉथ से भी कवर कर सकते हैं। ऐसा हो गया हमारा डो। अब मैं इसको कट कर लूंगा 2 पार्ट्स के अंदर, उसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को रोल आउट कर लेंगे, फिर हम बनाएंगे इनसे मठरी। तो चलिए अब रोल करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ अ रोलिंग पिन। तो मैंने इसको रोल कर लिया स्क्वायर के अंदर। और हाँ, जब भी आप इसको रोल आउट करें अपने स्लैब के ऊपर, तो आप नीचे ऑयल लगा लें, वरना वो बहुत ज्यादा चिपक जाएगा। अब मैं इसको कट करूंगा। डाल दिया है अब ऑयल, और ऑयल को मैंने चेक कर लिया था चिन्ना सा वो डाल के, मतलब डो। वो अभी आपको पीछे से क्रैकर्स की साउंड आ रही होगी, क्योंकि अभी लोग क्रैकर्स जला रहे हैं। तो अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर हमारी मठरी को। गोल्डन ब्राउन होने लग गई है एक साइड से। अब मैं इनको पलट दूंगा, उसके बाद हम दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे। अब मैं इनको निकाल रहा हूं। ये देखिए, ये बन गई है हमारी सारी मठरी। एक आपको टेस्ट करके बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी और टेस्टी बनी है। और आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो एंड माय रेसिपी, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फ्रूटी ओटी। बाय टाडा। अभी तो मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, ठीक है। और आप भी जरूर